बैठे बैठे आजकल मुस्कुराने लगता हूँ, बैठे बैठे आजकल मुस्कुराने लगता हूँ, सूरत तेरी उस शाम से मिलाने लगता हूँ, ना तुमको खबर ना मुझको पता कि क्यों तुझे हर काम से पहले खुद को याद दिलाने लगता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। साथियों, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि हम अब्सेक्ट नाउन का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, तो दोस्तों उस क्लास के लिए आज मैं यहाँ पर हूँ। अब्सेक्ट नाउन एक ऐसा नाउन साथियों जो बड़ा ही परेशान करता है, और अगर इस नाउन को बनाना हम सीख जाएं एक बार, इस नाउन को अगर हम बनाना सीख जाएं तो सारी ही जो उलझनें हैं वो सुलझ जाएंगी और आपको किसी से भी नहीं कहना पड़ेगा उलझन मेरी सुलझा दो चाहूं मैं आना। आइए दोस्तों चलते हैं अब्सेट नाउन। ठीक है, जैसा कि आप पिछली क्लास में सीख ही चुके हैं कि अब्सेट नाउन भाई वो नाउन होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, राइट। तो इस क्लास के दौरान साथियों हम जानेंगे कि हम अब्सेट नाउन को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। हम जानेंगे भी हाउ टू मेक एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये हमारी क्लास का आज टॉपिक रहेगा। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने जाना था कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये अफिक्सेस से बनते हैं। आपकी अफिक्सेस जिसके अंदर हमने कहा तीन पार्ट हैं कि रूट के अंदर भी प्रीफिक्स जुड़ता है, या भी रूट के अंदर दोस्तों सफिक्स जुड़ता है, राइट। प्रीफिक्स जुड़ता है या सफिक्स जुड़ता है, राइट। और स्पेलिंग के बीच के जो अंतर आए थे दोस्तों हमने उनको कहा था भाई इनफिक्स। तो ये बात आपके लिए पुरानी है, लास्ट क्लास को आप अच्छे से देख सकते हो, राइट। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो रूट होता है साथियों, जो आपका रूट है उस रूट के अंदर आपका कुछ जुड़ता है यहाँ, ठीक है। आप कुछ उसके अंदर जोड़ते हो, और जोड़ते क्या हो गई सफिक्स। क्या जोड़ते हो दोस्तों? सफिक्स। ध्यान से देखिएगा, आप सफिक्स जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है भाई? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। प्रीफिक्स जोड़ते हो तो जो प्रीफिक्स से जुड़ने वाले जो मोस्टली वर्ड्स होते हैं दोस्तों वो आपके एडजेक्टिव या वर्ब होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव या वर्ब होते हैं, और अगर आप सफिक्स जोड़ते हो तो आपके सामने निकल कर आता है का अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो सफिक्स हैं साथियों, ये जो सफिक्स हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे ऐसे सफिक्सेस हैं जो हम किसी भी रूट वर्ड के साथ जोड़े तो वो मीनिंग चेंज करते हैं और उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम किसी के साथ में जोड़ दे भाई डम, ठीक है, डम जोड़ा, एक्शन, एसन, एंस, स्पेलिंग चेंज होकर भाई फिर से एंस, एटे। खाली हम किसी के साथ वाई जोड़ देते हैं दोस्तों, हमने जोड़ा साथ में TH, TION, SION। भाई आप किसी के साथ में खाली ION जोड़ देते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों LEDGE, लेंस आप जोड़ते हो, आपने हुड जोड़ा, सिप जोड़ा, ठीक है। इसके साथ साथ आप सफिक्स करते हो दोस्तों मेंट को, ठीक है, मेंट को सफिक्स करते हो, आपने RED, रेड को सफिक्स किया, TER, टर को सफिक्स किया। इसके साथ साथ आप खाली RY को सफिक्स करते हो, ठीक है, RY को सफिक्स करते हो दोस्तों, आप इज़म को सफिक्स करते हो, एक्सेट्रा, ठीक है। इनके अलावा कुछ और हो सकते हैं,
तो ये जो है मोस्टली ये दोस्तों सफिक्सेस हैं सारे, ये सारे के सारे सफिक्सेस हैं जो किसी भी रूट के साथ जुड़ते हैं और उसका एक तो मीनिंग चेंज करते हैं और दूसरा उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जोड़ सकते हो दोस्तों आप भाई नेस वर्ड को भी आप इसके अंदर लेकर आ सकते हो। ठीक है, एक आप आईएनजी को इसके साथ में जोड़ सकते हो। ठीक है, और भी काफी सारे हो सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर लिखा है कुछ वर्ड्स को, ठीक है, जिनका जो कि बेसिक वर्ड्स हैं यानी रूट वर्ड्स हैं, और जैसे ही आप उनके साथ में किसी भी सफिक्स को जोड़ोगे तो दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके सामने निकल कर आएगा। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं, कि ये जो सफिक्स हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर, वह इनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, इन सफिक्सेस की हेल्प से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, राइट। तो दोस्तों मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, कुछ 10-12 वर्ड्स हैं, और ये कोई इस कोई वर्ब है दोस्तों, कोई कॉमन नाउन है, राइट, कोई भी आपका एडजेक्टिव है, लेकिन हम उनके साथ में कुछ से सफिक्स कर कर किस तरीके से बनाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, वो हमें देखना है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को पॉज करो और इन सब वर्ड्स को, सब वर्ड्स के साथ में कुछ सफिक्स करने की कोशिश कीजिए और कोशिश करो कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने। ठीक है, एक ऐसा नाउन जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही हम उसको देख सकते हैं, हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, फील कर सकते हैं, बना कर देखें। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऐसा किया होगा। मैनेज भी, मैनेज से अगर आप सफिक्स कोई भी इसके अंदर जोड़ते हो, ठीक है, तो कौन सा सफिक्स जोड़ोगे कि भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए, मैनेज मैनेजर, इस बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं साथियों। देखें अगर आप किसी भी वर्ब के साथ में भाई, किसी भी आप वर्ब के साथ में ER या OR सफिक्स करते हो तो वो हमेशा एक कॉमन नाउन बनता है, कॉमन नाउन बनता है। कॉमन नाउन मतलब भाई कि ऐसा तो कोई भी हो सकता है, ऐसा तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं क्लास दे रहा हूं और भाई कोई एकदम से बंदा आए और आकर कहे कि सर आपको एक लड़की बुला रही है बाहर, ठीक है, ओ भाई साहब मैं भागा भागा और आपको कहा कि बस मैं अभी आता हूँ 2 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है, और मैं गया, जैसी लड़की ने मुझे पकड़ा और कहा भैया 2 रुपये दो ना, तब मुझे समझ आया कि भी लड़की तो कोई भी हो सकती है, राइट, ऐसा तो कोई भी हो सकता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, कॉमन नाउन, राइट। अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा इसी वर्ड को देख ली, मैनेज, मैनेज के साथ में अगर मैं ER जोड़ दूं यहाँ, ठीक है, R और जोड़ दूं, क्या बनेगा भाई, मैनेजर, तो मैनेजर तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपके सामने कल पेश करूंगा एक यस सिंगर को, तो आप कहोगे सर सिंगर तो कोई भी हो सकता है, कौन सा सिंगर, तो ऐसा कोई भी हो सकता है, उसके लिए आपका जो नाउन होता है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता, राइट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी वो नहीं हो सकता। तो मैनेज के साथ में अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ दोस्तों मैनेजमेंट, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, मैनेजमेंट, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ फील होता है, आप चीजों को मैनेज करते जाते हैं, मैनेज करते जाते हैं और मैनेज ही करते जाते हैं, वो सिर्फ महसूस होगा, वो कभी भी दिखाई नहीं देता आपको। ठीक है, रिवाइज के साथ में अगर दोस्तों हम जोड़ें इस ION, राइट, तो E को हम हटाएंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, अभी इनफिक्स हुआ, E का तो हुआ भाई इनफिक्स, ठीक है, क्या बना, रिवीजन, डिसाइड, SION जोड़ दिया भाई, डिसीजन, ठीक है, अब इस D का क्या हुआ दोस्तों, इनफिक्स, ये आप जानते हो अच्छे से, एक्सपेक्टेशन क्या जोड़ा हमने, एसन, एक्सपेक्टेशन, ए जोड़ा, लाइफ, लीव से क्या बना दोस्तों, लाइफ, बिल्कुल, देखो जो लाइफ है ना वो आपके दिखाई नहीं देती आपको कभी भी, आप उसको टच नहीं कर सकते, वो सिर्फ क्या होते हैं, महसूस होती है, यस क्या होते हैं दोस्तों,
महसूस होती हैं। सपोज कीजिए कि आपके जो दोस्त हैं उनके मैसेज वैसेज सब कुछ अच्छे से आ रहे हैं, हर किसी से बात आपकी हो रही है और बिल्कुल आप खुश रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो उसको आप क्या कर रहे हो, लाइफ को महसूस करें। उस टाइम पे अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आप कैसे हो, तो आप कहें भाई बस मजा मजे में हो ना, मजा आ रहा है। क्या है, आप उस लाइफ को फील ऐसा कर रहे हैं कि आपको मजा आ रहा है। ठीक है, कंडीशन दूसरी, इस कंडीशन दूसरी, ठीक है ना, तो आपकी आपके दोस्तों से बातचीत हो रही है, ठीक है भाई, ना दोस्तों से बातचीत हो रही है, ना घर वालों से बातचीत हो रही है, मम्मी सुबह सुबह उठते ही लपेट देती हैं, पापा पीछे डालते भाई क्या कर रहा है, फिर आपसे कोई आकर पूछे वही सवाल, भाई लाइफ कैसी है, अरे क्या खास लाइफ है यार, तो क्या है भाई, आपने कहा लाइफ खास है, तो आप उस लाइफ को फील वैसा कर रहे हो, दिखाई नहीं देता, ऊपर से तो आप सिंपल दिखाई दे रहे हो सबको, ठीक है, खुश हो तो भी ऐसे दिखाई दे रहे हो, भी आपके अंदर कुछ भावनाएं गड़बड़ा रही तो भी आप वैसे, तो सिर्फ आप महसूस कर कर ही बता सकते कि लाइफ आपकी कैसी है। डू से दोस्तों बनता है आपका डिड, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर डिड फॉर्म, ठीक है, आपने सुने होंगे, थिंक, ई आर नहीं जोड़ना, ई आर जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि थिंक एक वर्ब है, राइट, थिंक से आप बनाओगे दोस्तों थॉट, ठीक है, या एक और इससे बन सकता है आपका थिंकिंग, है ना, आईएनजी सफिक्स किया आपने। टूर, टूरिज्म, ठीक है, आईएसएम सफिक्स किया। सिलेक्ट, सिलेक्शन सफिक्स किया, आईओएन, हैप्पी, ने सफिक्स किया दोस्तों, और इस वाई का क्या हुआ, इनफिक्स हुआ, आई में चेंज होगा। ऑथर, इस ऑथरशिप, या किसी से बना सकते हैं कोर, ऑथोरिटी, ठीक है, ऑथर, ऑथोरिटी, ऑथरशिप। हील से क्या है दोस्तों आपका, हेल्थ। चाइल्ड से है, चाइल्ड के साथ में आपने क्या जोड़ा, फूड, चाइल्ड फूड आपका बचपन। फ्री के साथ में आप जोड़ते दोस्तों आप जंग को, फ्री ठंग, पॉइंट, इस पॉइंट के साथ में जोड़ते दोस्तों आपने, वेरी गुड, आर वाई, पोइट्री, बिल्कुल पोइट्री, ठीक है भाई, मीनिंग क्या होता है पोइट्री का, राइटिंग स्टाइल ऑफ अ पोइट, ठीक है, किसी का राइटिंग स्टाइल, वर्स जिसको आप बोलते हो, VERSE, वर्स, वर्षा नहीं, वर्स। सिंग, सिंगिंग, सिंग सिंगिंग, नो के साथ में जोड़ा दोस्तों आपने, LEDGE, क्या बना, नलेस। रिटायर के साथ में जोड़ा दोस्तों आपने, मेंट, रिटायरमेंट। फार्किंग, INC जोड़ा, फार्किंग, ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर आप जोड़ते हो किंग, इस किंग के साथ आप जोड़ते हो तो इसे दोस्तों दो वर्ड्स निकल कर आते हैं, तो किंगडम, एक क्या होता है किंगशिप, क्या है दोस्तों, किंगशिप और किंगडम। अब देखो जो किंगडम होती है भाई वो तो क्या है आपका साम्राज्य, ठीक है, यानी जो आपका एरिया है जहां पर भी राजा रेन कर रहा है भाई, ठीक है, जहां पर भी राजा रेन करता है, रूल करता है, वो एरिया क्या कहलाएगा, किंगडम। और किंगशिप का मतलब क्या है दोस्तों, इस उस राजा का, इस किसी भी राजा का जो अपना दिमाग है, उस दिमाग से वो किस तरीके से अपनी प्रजा के लिए काम कर रहा है, भलाई के लिए कर रहा है, अच्छाई के लिए कर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी क्या है, किंगशिप, कि वो किस, मान लीजिए कि किसी पर हमला करना है, यस भी किसी पर भी हमला करना है, तो आप बंद कर कर तो नहीं करोगे, आपको जब ये दिखाई दे कि भी हाँ हम जीत सकते हैं, वेल कि हम जीत सकते हैं, तब आप हमला करें, आपकी किंगशिप कहलाती है, ठीक है, और अगर आपको लगे कि हम हार सकते हैं, ठीक है, तब अगर आप हमला करें तो भी आपकी क्या है, हमला ना करें सॉरी, तो क्या कहलाएगी, आपकी किंगशिप, ठीक है, आप माइंड से जो भी करते हो वो आपकी क्या है, किंगशिप है दोस्तों। और किंगडम क्या है भाई, एरिया जिसके ऊपर आप रूल कर रहे हो, ठीक है, एरिया जिसके ऊपर आप रूल कर रहे हो। तो आपने यहाँ पर ये चीज देखी दोस्तों आराम से, कि हम किसी भी वर्ब के साथ में ER OR बना दे तो कॉमन नाउन बनेगा। एक मैं आपको छोटी सी और अगर यहाँ पर एक बात बताऊं, कि हम किसी भी वर्ड के साथ में दोस्तों, किसी भी वर्ड के साथ में अगर हम LY सफिक्स करते हैं,
तो इस कंडीशन में दो तरीके के वर्ड्स हमारे सामने बनते हैं। पहला होता है दोस्तों एडजेक्टिव और दूसरा बनता है हमारे सामने एडवर्ब। ठीक है, यस, या तो एडजेक्टिव या दोस्तों हमारे सामने बनता है वो एडवर्ब। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वे लाइव के साथ में, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था लाइव, ठीक है, मैं लाइफ ना बनाकर इसके सामने मैं एल वाई जोड़ दूं तो क्या बनेगा भाई, लाइवली एक एडजेक्टिव बनेगा। और एडवर्ब भी किसी वर्ड के साथ में एल वाई जोड़ने से एडवर्ब, अब मान लीजिए मैंने नाइस के साथ में एल वाई जोड़ा तो क्या बना दोस्तों, नाइसली, ये एक एडवर्ब बन गया। स्लो के साथ में जोड़ा एल वाई तो स्लोली, ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, एक एडवर्ब बन गया, राइट। तो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने वाले जो सफिक्स होते हैं वो सफिक्स हैं दोस्तों जी वाले। ठीक है, आप किसी भी वर्ड को ठीक है, उनके साथ में अगर ये सफिक्स जुड़े तो वो कहलाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाई दो काम ये करता है, ये जो सफिक्स हैं दोस्तों, देखो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इनका इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता, लेकिन इनके अंदर इतनी पावर होती है कि ये किसी दूसरे वर्ड का मीनिंग चेंज कर सकते हैं, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर सकते हैं। तो दोनों चीजें इनके अंदर होती हैं, मीनिंग चेंज करेंगे और साथ में उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज करते हैं। ठीक है, अगली बात, अगर हम एक छोटी सी बात इसके अंदर और जोड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, वैसे तो हम अगली क्लास में उस चीज को जानेंगे ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है दोस्तों आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल आपका होता है, इनफैक्ट आपका सिर्फ कॉमन नाउन को छोड़कर जितने भी नाउन हो सारे के सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ से ये ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी वर्ड के साथ में सफिक्स करते हो, ठीक है, सफिक्स करते तो वो बनता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। और उसके साथ में फिर आप कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते भाई, प्लूरल वर्ब का आप उसके साथ में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ सिंगुलर ही है। ठीक है भाई, इस सिंगुलर ही बनता है। अब मान लीजिए कि एक ऐसा, देखो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन तो नहीं, पोइट्रीज ऑफ जॉन मिल्टन आर वेरी रिलीजियस, मोटिवेटिंग, कुछ भी मोटिवेटिंग कर लीजिए, रिलीजियस कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है पोइट्री, आप अगर पोइट्री को लिखते हो तो भी पोइट के साथ में आपने सफिक्स क्या किया दोस्तों, पोइट्री, आर वाई, तो बना क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, क्या बना दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी भी प्लूरल आप नहीं बना सकते भाई, प्लूरल आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा भाई, ये चीज आपकी बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो सही क्या हो गई, पोइट्री ऑफ जॉन मिल्टन इज वेरी रिलीजियस, है ना, जॉन मिल्टन दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट जिन राइटर ने लिखी है, 1608 में इनका जन्म हुआ और 1674, भाई एक बार आप पढ़िएगा जरूर अगर आप इंग्लिश के लवर हैं, लिटरेचर के। ठीक है, तो जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट में, व्हाट दो फील बी लॉस्ट बट ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकंक्रेबल विल, द स्टडी ऑफ रिवेंज एंड द इमोर्टल हेट फॉर द गॉड, है ना, भगवान के लिए वो, उन्हें किस तरीके से वो रिवेंजफुल थे बिल्कुल उनके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सीखा कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आप प्लूरल वर्ब यूज नहीं कर सकते और उसका आप प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक है, आपने कई बार देखा भाई, एक मिनट, यस, सीनरीज ऑफ कश्मीर, सीनरीज ऑफ कश्मीर, तो दोस्तों ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि सीन के साथ में आप क्या यूज कर रहे बेटा, आर वाई, ठीक है, आर वाई यूज कर रहे, तो ये बना आपका एब्स्ट्रैक्ट
नाउन, ठीक है, क्या बना आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसका प्लूरल आप कभी भी नहीं कर सकते, क्या कहोगे भी सीनरी ऑफ कश्मीर, सीनरी ऑफ कश्मीर। तो दोस्तों कैसी आपको ये वीडियो लगी, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट के दौरान बताएं जरूर भाई किस तरीके का जो हमारा कंटेंट है और वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों दो वीडियो के अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कम्प्लीटली यहाँ पर समझा है, राइट, कम्प्लीटली हमने समझा है। अभी आगे हमारी वीडियो चलती रहेंगी, इससे आगे हम कैटेगरी बताएंगे नाउन की भी, कि कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है। फिर दोस्तों हमारे नाउन जेंडर, नाउन नंबर, नाउन केसेस, राइट, तो बहुत सारा भी मैटर है। और नाउन की वकैब बड़ी जरूरी है, ठीक, नाउन की वकैब बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए, दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर दें। तो साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चाचा, गुड नाइट।